मैं आज भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ। मैं मुद्दा पूछ रहा हूँ आपसे। 10 सालों में मुद्दा यही है, 10 सालों में सत्ता में रहने के बाद अगर हिंदू और मुसलमान करना पड़ रहा है, 100 स्मार्ट सिटी कहाँ है, 2 करोड़ रोजगार कहाँ है, 15 लाख खातों में कहाँ है? ये 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 भैया आपका हो गया, और कोई बोलेगा? आप जो बोल चुका है उसको नहीं, पहले जो नहीं बोल पाया उसके पास बोलिए। खड़े हुई यहीं पे आपका राजकीय विश्वविद्यालय खुल गया है, संगीत महाविद्यालय खुल गया है, यहाँ माफियाओं का राज कभी हुआ करता, आज माफिया सारे जेल में पड़े हुए हैं। यहाँ शिक्षा है, रोजगार कोई मुद्दा है? यहाँ केवल विकास का मुद्दा है। आजमगढ़ के 4 रोड बन रहा है, यहाँ हवाई पट्टी। ठीक है भैया, वो आप बोल रहे हैं, खड़े हुई। किस मुद्दे पर आजमगढ़ में होगा चुनाव? सुरक्षा, इस पे बात हो रही है, और सुरक्षा, विकास और सुरक्षा। बाबा खड़े होइए, मैं आ रहा हूं, उधर आ रहा हूं। यहां का मुद्दा कि 10 बार से विधायक जी हुए हैं समाजवादी के, यहां 10 बार से हैं, और मुद्दा ये लोग भाजपा से पूछ रहे हैं। अरे कहां गया, कहां गया, आप ही तो थे। अरे सांसद तो बीजेपी के हैं। अरे सांसद हमारा 15 माह का है, इनके पास तो जिंदगी भर सांसद थे। तो मतलब कोई काम नहीं हुआ 15 माह में? 15 माह में तो 15 साल का इन्होंने, 15 माह में 15 साल, नहीं जो बोल चुका है उसको नहीं, जो नहीं बोल चुका है उसको। हाँ, इनके कह रहे 15 माह में 15 साल का काम हुआ आजमगढ़ में, कोई काम नहीं हुआ है। इनके राज में सिर्फ हिंदू मुस्लिम को लड़ाया जा रहा है, कोई काम ना कोई धंधा। बात करनी है तो रोजगार पे करिए, बात करनी है तो महंगाई पे करिए, बात करनी है तो शिक्षा पे करिए। इन सब के बात कर नहीं करके ये लोग बात करते हैं कि हिंदू और मुस्लिम धर्म। बात महंगाई और रोजगार पे, उधर इधर इधर रुकिए, इधर 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 इधर, बात महंगाई और रोजगार पे क्यों नहीं हो रही, बोलिए भैया। महंगाई और रोजगार पे बात हो रही है, यहीं पे सभी लोग विकास की बात कर रही हैं। जिस कॉलेज में यूनिवर्सिटी की ऑफिस बनी है उस कॉलेज का छात्र संघ अध्यक्ष हूँ। 3 कमरों से विश्वविद्यालय की चलाई जा रही है, और विश्वविद्यालय की जानकारी मैं आपको बता दे रहा हूँ। जल्दी 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 जल्दी, विश्व की सबसे बड़ी भ्रष्ट यूनिवर्सिटी आजमगढ़ यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे व्हाट्सएप पे पेपर भेज कर एग्जाम कराया जाती है, अभी 3 दिन पहले की बात है। ओके ओके, खड़े भाई खड़े, क्या बोल रहे? जब समाजवादी पार्टी सत्ता से बाहर रहती है तभी मुसलमान जो है खतरे में रहता है, या लोकतंत्र खतरे में रहता है, ऐसा क्यों? अरे ये किससे पूछा आपने? समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी से पूछा है। ठीक है ठीक है, और कोई कुछ बोलेगा? बोलिए बोलिए। ये लोग कह रहे हैं कि हम 400 पार, इसका मुद्दा क्या है? हम पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से कि इनका 15 अगस्त 2023 को इन प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार कहते हैं कि भारत का संविधान जो है वो औपनिवेशिक संविधान है, क्या इसको बदलना चाहते हैं या अपनी? ठीक है ठीक है, ना संविधान खतरे में है, ना लोकतंत्र खतरे में है, इन इंडी गठबंधन वालों की राजनीतिक दुकान खतरे में है। ना संविधान खतरे में है, ना लोकतंत्र खतरे में है। आपके ऊपर सवाल है, लेकिन पहले बीजेपी से। ये लोग बोल रहे हैं महंगाई बेरोजगारी पे आप बात नहीं कर रहे, आप लोग आप हिंदू मुसलमान पे जा रहे हैं, महंगाई बेरोजगारी पे बात नहीं कर रहे, जवाब दीजिए इसका। गौरव जी, 2014 में जब मेरी सरकार बनी थी तो महंगाई का प्रतिशत क्या था? 8.33 पर हमारे प्रधानमंत्री ने शपथ लिया था, गूगल खोलिए। और जब मार्च 2024 में सूचना जारी हुई है तो ये कुछ और बोल रहे हैं क्या? 5.60 इन 2014, 5.60 जो महंगाई की दर, 8.33 फिर अपनी ने, उसको अपना सही करिए। और जब मार्च 2024 में सूचना जारी हुई है तो 6.95% है। अब आप बात करेंगे बेरोजगारी की, बेरोजगारी 2013 सिलेंडर का दाम बताइए, डीजल का दाम। अरे आप अपडेट करिए, 2014 में गैस सिलेंडर का दाम 901 रुपए था, आज सिलेंडर का दाम 924 रुपए है। तब आप लाद के जाते थे, 3 दिन तक लाइन लगाते थे, तब पाते थे गैस सिलेंडर। इनको 900 रुपए का सिलेंडर दिखाई दे रहा है और 3 बजे भोर से लाइन नहीं दिखाई दे रही है। अरे क्या लाइन खत्म हो गई, लंबी लाइन 3 बजे भोर की खत्म कर दी नरेंद्र मोदी ने, लाइन खत्म कर दी मोदी ने, लाइन खत्म कर दी। बोलिए, सिलेंडर के लिए लंबी लंबी लाइनें लगती थी, भोर में 3 बजे उठ के हम लोग अपने घरों से जाके सिलेंडर के लिए लाइन लगाते थे, तब जाके कहीं सिलेंडर। अच्छा महिलाएं यहाँ बैठी है, मैम आप लोग बताइए, लाइन खत्म कर दी मोदी ने, रोजगार पे बात क्यों नहीं हो रही है? सर रोजगार यही बगल में तेजस्वी यादव 15 महीने की सरकार में दे दिया 2.5 लाख नौकरी, यहाँ 8 साल की सरकार ने क्या किया इसका जवाब दे लो। 8 साल की सरकार, मैं आ रहा हूँ, आप लोग बोलो, महिलाओं की बात हो रही है चुनाव में, आप बोलेंगी मैम, आप लोग बोलेंगे कुछ, चलिए ठीक है। गौरव जी,
हमारे सपा बसपा भाजपा सभी क्रांतिकारी साथी हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं। आप भी बड़े क्रांतिकारी लग रहे हैं। मैं स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हूँ। जो कीमत अखिलेश जी की है वही कीमत प्रवीण जी की है। मैं स्वतंत्रता सेनानी परिवार हूँ। मैं एक सवाल दागूंगा, चारों साथी बताएंगे। अरे दागिए मत, पूछिए भाई। देश रोजगार मांगता है, देश स्वास्थ्य मांगता है, देश शिक्षा मांगता है, और देश को धर्म और जाति मजहब के आधार पे बांटने की जो राजनीति हो रही है ये कौन कर रहा है? और एक साथी भारतीय जनता पार्टी के पूछ रहे थे कि देश में मुद्दा सपा से पूछना चाहिए। मैं आपसे पूछता हूँ गौरव जी, सवाल सरकार से होना चाहिए कि विपक्ष से होना चाहिए? मेरे साथियों, ये बोलिए बोलिए भैया, सवाल तो सरकार से होना चाहिए ना। मेरा सवाल समाजवादी पार्टी से है। यह जो पांच लोग लोकसभा का चुनाव एक ही पार्टी से लड़ रहे हैं, यह बताने का काम करेंगे क्या कि इस पूर्वांचल में कोई यादव नहीं है? पांच लोग परिवार से चुनाव लड़ रहे हैं,